बेकार बंद पार्क। जी हाँ गाइस, बेकार बंद पार्क इस पार्क का नाम है। और देख सकते हैं चारों साइड, मतलब चारों साइड घूमने का रेलिंग की तरह है। और चारों साइड आप अगर इसके अंदर एंट्री नहीं लेते हैं तो बाहर से ही घूम सकते हैं। और अगर इसके अंदर एंट्री लेते हैं इसके अंदर, तो यहाँ से आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। सो अभी इसके अंदर हम आ चुके हैं विदाउट परमिशन के साहब के, क्योंकि गाइस लगभग हम लोग 10 मिनट से घूमते घूमते कहीं इसका एंट्री गेट दिखाई नहीं, तो क्या करें। एंट्री तो कहीं देख सकते हैं कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। अब देखिए बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, देख सकते हैं। और चारों ओर का नज़ारा बहुत ही ख़तरनाक देखने को मिल रहा है। जी हाँ गाइस, धनबाद कई बार आ चुके हैं लेकिन इस पार्क के बारे में पहली बार पता चला है। और देख सकते हैं चारों तरफ से किस तरह टहलने का दिया गया है रेलिंग, और बीच में ये पोखरा है गाइस। बहुत ही कितना गहरा है पता नहीं, लेकिन बोटिंग करने का भी शायद प्रावधान है, क्योंकि बीच बीच में देखने को मिला है बोट वहाँ पर, देखिए। और पानी काफ़ी गहरा है गाइस, और चारों ओर का नज़ारा बहुत ही ख़तरनाक है। लेकिन एक बात है कि इस पार्क का नाम कुछ डिफरेंट है। जी हाँ गाइस, इस पार्क का नाम है बंद पार्क, ऐसा कुछ है, भूल गए हैं, जस्ट अभी भूल गए हैं। और ये देखिए बीच में किस तरह बनाया गया लाइटिंग का व्यवस्था, बहुत ही सुंदर रात में देखने को मिलता होगा। और उधर साइड मंदिर है, देखिए उधर साइड मंदिर है, उधर एंट्री गेट है, लेकिन हम लोग उधर से घूम के आए जिसके कारण हम लोगों को एंट्री गेट सही से नहीं दिखा। और चारों साइड इस तरह सीढ़ी बनाया गया है, नहाने का प्रावधान मस्त है। और गाइस देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है, और ये मस्त पार्क घूमने का है धनबाद में, बेकार बंद पार्क। जो गाइस धनबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 4-5 किलोमीटर शायद होगा, हाँ 4-5 किलोमीटर होगा, इतने दूरी पर ये पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। एंड सो गाइस देख सकते हैं आसानी से, एंड कुछ प्राइसी रीजन के कारण और आपको नज़ारा नहीं दिखा पाएंगे। सो गाइस बस इतना ही, मज़ा लीजिए, पानी का मज़ा लीजिए बस, और इसके अंदर जाने की कोशिश मत कीजिए। आप समझते होंगे गाइस, जी हाँ गाइस, पार्क में क्या होता है। सो देखिए बस, आप शायद मछली भी है, पानी में कुछ हलचल हो रही है, देख सकते हैं जस्ट यहाँ पर हुआ है हलचल। और ये देखिए हम लोग इसको गाइस यहाँ बैठे हैं और कुछ देर आराम कर रहे हैं इस पार्क में। और गाइस एक बंदे से गप हुआ यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि पिछले दिन यानी कि 22 जनवरी को यहाँ पर 1 लाख कितना दिए थे, 1 लाख 1,150,000 कितना दिए जला था, काटने से काटे ऐसे। देख सकते हैं हम लोग बैठे हैं एक तो क्या कहेंगे, देख लीजिए आप यहाँ बैठे हैं बैठने का जगह। और गाइस इधर देख सकते हैं क्या है, आई लव लव कुछ लिखा है इधर से। और यहाँ से देख सकते हैं चारों साइड इस तरह बना हुआ है नहाने का। और गाइस यहाँ पर पिछले दिन आने की 22 जनवरी को यहाँ पर एक बंदे ने हम लोगों को बताया कि लगभग 1.5 लाख के करीब यहाँ पर दिए जलाए गए थे राम मंदिर के उपलक्ष में। तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस, देख सकते हैं चारों साइड बहुत बड़ा एरिया है। वो बंदे सच बोल रहे थे, देख सकते हैं दिए की संख्या कितना पड़ा है, और वो ट्रैक्टर में अभी लगभग आधा ट्रैक्टर दिए हैं। और उधर भी देख सकते हैं, उधर उठा भी अभी उठा ही रहे हैं, और इधर भी देख सकते हैं, देखिए कितना ज़्यादा है। और चारों ओर इसी टाइप का है, देख सकते हैं गाइस 1.5 लाख दिया जला, हाँ 1.5 लाख। और ये देखिए चारों साइड, इधर अभी साफ हुआ है शायद से। तो गाइस देख सकते हैं पार्क का मजे, इससे आराम कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन 5 बजे है, और नज़ारा कुछ अलग देखने को मिल रहा है चारों ओर, इसलिए हम लोग एकांत जगह में इधर आके बैठ गए हैं। और 1 घंटा आराम करेंगे यहाँ, देख सकते हैं क्या हरियाली है, देखो हरियाली कितना है चारों ओर से। सो गाइस और दिखाएंगे कुछ सीन, फिलहाल आराम करते हैं 1 घंटा तक। गाइस देखे होंगे इस पार्क का कैसा लगा होगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये पार्क देख करके। सो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही,
मिलते हैं नेक्स्ट डे ब्लॉग में।